हाथी को क्या है ना, अगर एक पांव टूट जाए तो कोई भी बच्चे उसको मार के भाग जाए। हम लोग का सबसे बढ़िया जो मिलता है ना, जो अच्छे अच्छे पैसे वालों को नहीं मिल पाता। अरे इस बात थक गया हूँ यार, बताओ। और कोई नीचे आ जाएगा ऐसे चढ़ाई की तरह। सैलरी इसमें कुछ भी नहीं है, सैलरी सिर्फ एक बोर्ड है या पड़े हुए है। अच्छा। तो मुश्किल था ये कार के लिए चलाना। अरे ट्रेनिंग स्कूल है काफी। हाँ। सालों से है। इस गाड़ी को चलाने के लिए ट्रेनिंग होता है। जैसे कि हर फल का ऊपर छिलका होता ना। हाँ। है ना परत। हाँ। तो अच्छा चीज अंदर रख। जज वही है, सुप्रीम कोर्ट वही है, है मूर्ति साहब है। हाँ। और सिद्धप्पा सर है। तो ड्राइवर लोग जब तक वो मरते नहीं तब तक उनका नाम भूलते नहीं। मेरे को नहीं समझ में आया क्योंकि बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट लोग को दिक्कत हो रहा है, वो नहीं लेंगे तो फिर तो इंडिया सुधर ही जाएगा। जैसे कहते हैं ना टाइम पास हो जाता है कि ट्रेन का डब्बे ज्यादा होते हैं, इंजन एक ही होता है। मॉडल गाड़ी चला रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। टाटा का 3518 कार ट्रेलर है जिसमें कार रख के आती है। हाँ, 2012 का मॉडल है। सबसे पहले एक स्पेशल चीज बता दूं, मैं बात करने से पहले, ये NL नागालैंड का नंबर है और अभी मैं भोपाल में शूट कर रहा हूँ। ये नागालैंड का नंबर इसलिए है भाई क्योंकि MP के और ये आसपास के अपने जो नंबर होते हैं इनमें जो फिटनेस रहता है उसके लिए बहुत फंडे होते हैं। ट्रक बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, नया होना चाहिए, वो चकाचक होना चाहिए। इनको मतलब नहीं है। नागालैंड वालों को क्या है कि पूरा एक बार पैसा दे दिया और सारी चीज़ कॉरियर कर देते हैं। आप ज़्यादातर देखना इस टाइप के ट्रक नागालैंड नंबर के होते हैं क्योंकि वो बहुत ईजी पड़ते हैं, इसलिए नंबर है। और बाकी पूरी अंदर से भी दिखाऊंगा, बाहर से दिखाऊंगा, अंदर से कार वार रखी कैसे रखते हैं सब दिखाऊंगा डिटेल में। तो एंड तक जरूर देखना। अपन चल के ऑनर से बात करते हैं, जो भी इसको चलाते हैं उनसे बात करते हैं। तो ये हमारे साथ इमरान भाई है। इमरान भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे आजाद भाई, और आजाद भाई के क्या मसल ससल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, बिल्कुल बॉडी बॉडी बना के रह गए। आप दोनों साथ में ही काम करते हैं? हमेशा साथ में ही रहते हैं आप? साथ में नहीं, कभी साथ मिल गए रास्ते में, कभी जैसे अभी आपके सामने मिल गए हम। हाँ। और भाई लोग से भी मुलाकात होते रहते हैं। जी जी। तो अभी फिलहाल हम लोग महिंद्रा लेके आए थे यहाँ, भोपाल का था महिंद्रा। ये जो टाटा का ट्रक है ये पीछे ट्रॉला बोले, इसको क्या बोलेंगे? कार ट्रेलर बोलते हैं। कार ट्रेलर बोलते हैं इसको। तो कार ट्रेलर बोलते हैं। महिंद्रा की गाड़ी लेके आए थे? महिंद्रा का बोलेरो लेके आए थे। कहाँ से लेके आ रहे हैं इमरान? ये हरिद्वार से लेके आए थे। दो कार था, बोलेरो था। दो बोलेरो? हाँ, इतने बड़े कार ट्रेलर में सिर्फ दो बोलेरो? नहीं नहीं, और है, चार और है जी। तो चेचिस है तो उसमें पड़ा है, वो खंडवा का। अच्छा। अभी ये फिलहाल भोपाल में रोड बन कर रखे हैं पुलिस वाले लोगों ने। हाँ। तो इसके लेकर के अभी जाने नहीं दे रहे, तो हम लोग यहाँ से दो कार CI का जो भोपाल वाले के डीलर का है उसका हम लोगों ने खाली कर दिया। यहाँ पे कैसे खाली करा? उतार करके बाय रोड पहुँचाया हम लोगों ने। अच्छा, बाय रोड पहुँचाया। वो उनके डीलर वगैरह आ गए होंगे, लेके गए होंगे? नहीं, डीलर वाला नहीं, गार्ड वाला के साथ में गया था हम लोग। अच्छा। और खाली करे आया, POD लेके आ गए। अब यहाँ से कंपनी का ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे फिर वो खंडवा। अच्छा। इमरान भाई, आजाद भाई, आप कब से है ये ट्रक वाली लाइन में? कितना साल हो गया मतलब आप लोगों को? हमारा तो 1998 में आया था यही कार करियर में, उस समय पहला कार करियर ये जो निकाला। मतलब आप परमानेंट यही चलाते हैं कार ट्रेलर ही? चलाया और भी गाड़ी चलाया। हाँ। और भी हमारे साइड का बहुत काफी पुराने पुराने ड्राइवर हैं जी, और जिसमें अच्छा नॉलेज वाले भी ड्राइवर हैं जी जी। उन लोगों से हम लोग रह करके साथ में सीखे। हाँ। उन उस्ताद के साथ। हाँ। और ये मतलब चला रहे, कार गाड़ी भी चलाया, गैस टैंकर भी चलाया LPG का। अच्छा। परमानेंट मतलब आप ड्राइवर? हाँ, ड्राइवरी लाइन ही हमारा ये चल रहा। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? झारखंड से। आजाद भाई आप भी झारखंड से? नहीं, मैं बिहार का हूँ, मधुबनी जिला है। अच्छा, आजाद भाई बिहार के और इमरान भाई झारखंड के। हमारा झारखंड हजारीबाग पड़ता है, जो रांची से जो महेंद्र सिंह धोनी है ना। जी जी जी, मशहूर खिलाड़ी। उनके बाजू के रहने वाले हैं हम लोग। अच्छा। इमरान भाई, ये जो जैसे टाटा का ये जो कार ट्रेलर आता है इसका ये अलग से बनता है या फिर पूरा फ्लैट आता है? ये टाटा कंपनी अलग से देता है, इसको घोड़ा बोलते हैं हम लोग। हाँ। जीप बोल लीजिए, घोड़ा बोल लीजिए, हॉर्स बोल लीजिए इसको जी। बाकी टेलर किसी और कंपनी से बनता है, जैसे सिमलेस हो गया, माहिर कंपनी है। हाँ। और ट्रकोली हो गया। अच्छा। और बालाजी हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो ट्रॉली बनाती है कुछ। तो पुणे में ये मतलब सिर्फ कंपनी को ही देते हैं या पर्सनल भी देते हैं ट्रेलर? नहीं, ये जो कार टेलर जो गाड़ी खरीदते हैं ना हॉर्स, उन्हीं को देते हैं, वही मांगते हैं, तो वो खरीदना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे पर्सनल एक सिंगल मोटर मालिक इसको ले ले? हाँ हाँ, ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें लाइसेंस का कोई मतलब। लाइसेंस इसका होता है जो पेपर वगैरह होता है ना गाड़ी का। हाँ। डॉक्यूमेंट वगैरह जी, ये हॉर्स का होता है। अच्छा, इसका होता है? हाँ, इसका वाली होता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन ने ये ट्रक खरीदा किसी इंसान ने और ये पूरा ऐसा सेटअप खरीद लिया, तो वो भी कंपनी में लगा के ऐसे डिलीवरी कर सकता है? हाँ, खुद का ट्रक लगा के?
कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगले की बिल्टी पर लोड होगा। हाँ। और उसमें 8-10% ऐसा उस्ताद लोग बताते हैं कि कटता है उसमें। अच्छा। भाड़ा से पैसे कटता है जी। जैसे 1,00,000 रुपया अगर कहीं का भाड़ा है। हाँ। तो 8-10% के लगभग कटता है, चार्ज कटता है, चार्ज कटता है। तो 8-10% आप जोड़ लीजिए कितना होगा, 8,000-10,000। तो आपको क्या लगता है, जैसे अगर सिंगल इंसान कोई ऐसा खरीद ले तो कंपनी से बात कर ले कोई सी भी, तो वो कमा सकता है? अच्छा, हाँ, चला रहा है, चल रहा है लोग को। तो आप अंदाजन जैसे आप अगर बताना चाहें तो आपको क्या सैलरी वगैरह पड़ जाती है, क्या इनकम कर लेते हैं? हम लोग ये गाड़ी जो है पूरा ऑल इंडिया चलती है। हाँ। कहीं से भी कोई सा भी कार लोड हो सकता है। हाँ। और किधर का भी लोड हो सकता है। अच्छा। उसमें होता क्या, चाहे या तो मर्सिडीज हो, या BMW हो, या महिंद्रा हो, टोयोटा हो, टाटा कंपनी हो, या हुंडई हो, या फोर्ड हो, ये सारे जितना कार कंपनी तो बंद हो गई अब, नहीं तो अभी फिलहाल हुआ है जी जी। तो इन सारे कंपनी से हम लोग का गाड़ी चलती है। हाँ। जिसमें से कहीं का भी लोड हो जाता है हम लोग जाते हैं। कुछ रोटेशन कंपनी लोग का होता है कि हमारी गाड़ी इधर की भरनी चाहिए जी, तो उस हिसाब से भर जाती है। हाँ। और हम लोग आपके टाइम में सिंगल आदमी रहते हैं। हाँ। 24 घंटा ड्यूटी है। हाँ। अब 24 घंटा में कभी 10 घंटा ड्यूटी कर लिए। हाँ। कभी 24 घंटा कर लिए, इस तरह मिला के हम लोग का ड्यूटी होता है जी। और आराम से दिन में 24 घंटा में लगभग 8 घंटा आराम भी कर लेते हैं, 450-450 किलोमीटर रोड के हिसाब से चल लेते हैं हम लोग। तो अंदाजन क्या इनकम पड़ जाती होगी आपको? हम लोग का कमाई इसमें ये हो जाता है, डीजल का बचत होता है। जितना हाँ। प्यार से चलोगे। हाँ। उतना डीजल का बूंद बूंद से बचाना पड़ता है। अच्छा, सैलरी के अलावा डीजल से जो भी आपका सैलरी, इसमें कुछ भी नहीं है। सैलरी सिर्फ एक बोर्ड है, यानी आपने अभी जैसे कार खाली किया। हाँ। तो अगर उसमें स्क्रेच वगैरह या कहीं सट जाए। हाँ। कार आपस में लड़ जाए। हाँ। तो वो जो डैमेज होता है तो डीलर वाला मांगता है भाई इसका रिपेयर करने का पैसे दो, वो आपसे मांगेगा। कंपनी से भी नहीं, आपसे मांगेगा, मेरे से मांगेगा। अरे, तो इसमें क्या है कि हम लोग को देना पड़ता है, उसमें गिड़गिड़ाना भी पड़ता है। हाँ। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं डीलर वाले, जैसे अभी सीआई हम लोग खाली किए, महिंद्रा अच्छे हैं डीलर वाले, ये सीआई वाले। तो क्या है कि ये डीलर वाले अगर बढ़िया मिल जाते हैं तो उसमें कंप्रोमाइज करके हो जाता है एडजस्ट, जितना खर्चा होता है लगभग उतना ही देना पड़ता है। तो कोई कोई ऐसा होता है कि बाल बराबर अगर होता ना। हाँ। तो बोलते हैं कि भाई ये तो पूरा गेट ही चेंज करना पड़ेगा। हाँ। परेशान करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत होता है एडजस्ट कर देते हैं, कि चाय पानी दे दिए, खुशी से दे दिए। कुछ लोग है जो अच्छे लोग, उसके हिसाब से हम लोग आज पड़े हुए हैं। अच्छा। तो मुश्किल था ये कार के लिए चलाना। अरे, क्योंकि मामूली सा बाल बराबर, जिसमें नौजवान लड़का ही देख सकता है, उसका रोशनी जिसका बराबर हो, और ज्यादा उम्र वाले जिसको नहीं दिखे। हाँ। वैसा माइनर छोटा छोटा स्क्रेच को बोलता है इतना हजार लगेगा, उतना हजार। अरे, ये हाल है इसमें। तो फिर भी अंदाजन मंथली गाड़ी होती जी, है ना जी। ये भी बात है, उनका कहना कहीं कोई कोई जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि कस्टमर हर अलग अलग तरह का जी बिल्कुल। कोई इंजन को देखता है, कोई कंफर्टेबल को देखता है। हाँ। कोई माइलेज को चेक करता है, सबका। हाँ। अपना अपना ये है सिस्टम जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस हिसाब से वो देखते हैं कि हमारा गाड़ी का कहीं स्क्रेच नहीं होना चाहिए, पेंट सही होना चाहिए। कोई अच्छा। आता है तो बोलता है कि हमारे को कंफर्टेबल होना चाहिए, कैसा है। ये सब आपको हैंडल करना पड़ता है। ये हैंडल करना पड़ता है बोले तो मतलब अच्छे तरीका से वहाँ से चेक करके लेते हैं। हाँ। और वहाँ पे जो हमारे मैनेजर मुंशी वगैरह जो अंदर प्लांट में होते हैं, बाकायदा वो अच्छे तरीके से लोड करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं। अच्छा। और कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे महिंद्रा कंपनी में लोड करके आए तो महिंद्रा कंपनी वाले लोग का कहना है कि भाई जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे हल कर दिया जाएगा। ठीक ठीक। तो अंदाजन इसमें मंथली क्या इनकम पड़ जाती है हम लोग का? जो इनकम बात कर रहे हो तो उसमें क्या डीजल है, अभी जैसे फिलहाल हरिद्वार से हम यहाँ आए भोपाल को, है ना, हरिद्वार से यहाँ आया, कितना रोड लगभग सही है। हाँ। तो इसमें क्या है कि मुश्किल से 40 लीटर डीजल बच जाएगा। हाँ। अब 40 में 4,000 मैक्सिमम मान लो। हाँ। तो ये 3 दिन का सफर है। अच्छा। हाँ, वैसे तो मतलब आपका ऐसी सैलरी नहीं रहती है? नहीं, सैलरी कंपनी देती है, लेकिन उसका सिस्टम अलग है सैलरी का। अच्छा। सिस्टम क्या है, जैसे अभी जहाँ पे 2000 किलोमीटर पड़ रहा। हाँ। वहाँ पे देगी कंपनी 1800 किलोमीटर। अच्छा। अब चलना तो 2000 किलोमीटर पड़ता है। सही बात है। अब कंपनी 3 रुपये 10 पैसे किलोमीटर वो शो करती है कि हम सैलरी देते हैं। हाँ। लेकिन हमारे को तो 1800 किलोमीटर चलना पड़ रहा, तो 200 किलोमीटर वो हमारा डीजल जा रहा है। हाँ। तो वो कंपनी कह रही 3 रुपये 10 पैसे किलोमीटर जो सैलरी है। हाँ। उसमें से वो डीजल मान लेते हैं हम लोग। हाँ। चाहे वो नाम कुछ और डालता हो। हाँ। लेकिन हम तो सोचते हैं वो डीजल का ही दे रहा। अच्छा। जो लग रहा। हाँ, हाँ। तो उसमें 1800 रुपया बच जाता है। अच्छा। बाकी किलोमीटर फिक्स सही हो जाता है।
तो मतलब ये है कि दो तीन दिन का 2-1 हजार रूपए पड़ जाता है। हाँ, लगभग पूरा मंथली का अगर कमाई की बात बोला जाए तो 20-25 हजार, कभी अच्छा चक्कर लग जाए तो 30, इससे ज्यादा नहीं हो पाता। से लोड होगी, खाली होगी तब। अब आप है ना इसमें, ये गाड़ी चलाने से पहले ट्रेनिंग होता है। हमारे दिल्ली में लोनी है, लोनी बॉर्डर, वहाँ पे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है, काफी सालों से है। इस गाड़ी को चलाने के लिए ट्रेनिंग होता है सारी गाड़ियों को? अच्छा, सारी गाड़ियों के वहाँ बाकायदा अच्छी तरीके से समझाया जाता है। और दूसरे नंबर में मारुति वाले हैं, और जो सबसे बेहतर ट्रेनिंग करते हैं टोयोटा कंपनी में, जो हमारे अभी फिलहाल में है, मूर्ति साहब हैं और सिद्धप्पा सर हैं, जो वहाँ के जो ट्रेनिंग मास्टर हैं। अच्छा, नंबर वन पे जो है? हाँ, नंबर वन जो है, ट्रक की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रक कैसे चलाना है, किस रोड पे कैसे मुड़ना है, चौराहे पे कैसे मुड़ना है, हाथ का इशारा कितना होता है, उनके पास सीखने जाना पड़ता है। मास्टर है, माहिर। कहाँ पे मिलेंगे वो? ये बैंगलोर में बिरधि पड़ता है, टोयोटा कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं सारे ड्राइवर। पैसा लेते हैं कुछ? नहीं, हम लोग से कुछ भी नहीं पैसे लेते। अच्छा, जो सिर्फ आप लोग ये चलाते हो, आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं स्पेशली? कैसे करना चाहिए, बेल्ट कैसे मारना चाहिए, कहीं पब्लिक का प्रॉब्लम है वहाँ पे सॉल्व कैसे करें, अच्छा, खाना कैसे जहाँ पर खाएं, सारा अच्छा सिस्टम बताते। यानी हमारे आगे जो दिनचर्या जो बोलते हैं ना, भविष्य के लिए हम अपने आप को, हमारे बच्चे सेफ रहे, हम सेफ रहेंगे तभी हमारे बच्चे सेफ रहेंगे। इस चीज को फ्री में हम लोग को जानकारी दिया जाता है। अच्छा, मूर्ति सर जो है? हाँ, मूर्ति साहब हैं, बहुत अच्छे, मतलब भावी आदमी है, बहुत अच्छे हैं, मास्टर हैं। तो इमरान भाई और आजाद भाई, जैसे ये ट्रक का जो ऑयल, पानी, हब ग्रीसिंग, ये टायर वगैरह का खर्चा, ये कौन कंपनी उठाती? कंपनी उठाती है। तो सर्विस आप लोग कराते हो? नहीं, हम लोग सिर्फ कंपनी में काम लिखा देते हैं, और बाकी कंपनी में रजिस्टर मेंटेनेंस का होता है कि गाड़ी पिछला बार आई थी कितना किलोमीटर चली है गाड़ी, और अभी फिलहाल जो आई वो कितना किलोमीटर चल के आई। अच्छा, तो कितना हजार पे हमको हब ग्रीस करना है और कितने हजार किलोमीटर पे ऑयल चेंज करना, कंपनी ये सारा कंपनी मेंटेनेंस, वो मेंटेनेंस मैनेजर होता है, वो सारा चेक करते हैं, उनका काम है। अच्छा, अगर हमारे को बोल देंगे कि इसका हब ग्रीस है तो टायर खुलवा देना, टायर खुलवाना पड़ता है, खोलना पड़ता है। ये कौन सा मॉडल होता है टाटा का? जैसे ये टाटा का, इनका शायद 12 या 11 मॉडल होगा, हमारी गाड़ी है। नहीं, एक मॉडल नंबर आता है ना इसका? मॉडल ना 34 नंबर होता है। कौन सा, क्या 31-18 या 25-18 ऐसे नंबर होता है ना? हाँ, अच्छा, हाँ, ये हाँ जो हाँ वो आता है मॉडल, ये 35-18 होता है। कार करियर में अधिकतर 35-18 है, और फिलहाल 2018-19 के बाद जो है कुछ सारी कंपनी जो कार करियर में जो चला रहे हैं 40-18 ले रखे है। क्यों? इससे जैसा उस्ताद लोग बोलते हैं कि 40-18 में क्या कार करियर में चला, ठीक है ना, तो फट्टा ट्रेलर में आराम से चल जाएगा वो। अच्छा, तो उसका पासिंग ज्यादा होता है। ये नहीं चलेगा फट्टा ट्रेलर में? नहीं, ये 35-18 यानी 35 टन का पासिंग है इसका। अच्छा, 40-18 40 टन का पासिंग है। अच्छा, तो इस हिसाब से वो लेते हैं कि कार करियर में भी इसको चला सकते हैं, उसको फट्टा ट्रेलर में भी चला सकते हैं। अच्छा, इसलिए ट्रांसपोर्ट लोग ये अपना तजुर्बा रखे हुए हैं, उस हिसाब से वो खरीद रहे हैं, लोडिंग। अच्छा, आप लोगों को इतना तजुर्बा है और इतना मतलब नॉलेज है आपको बेहतरीन, तो आपने खुद ने पर्सनल ट्रक लेने का कभी नहीं सोचा? नहीं, हम तो वैसा कुछ नहीं सोचे ट्रक के बारे में। हमारे गांव में लगभग 600 से ऊपर ट्रक है, टेलर है। अच्छा, हाँ, KRL के नाम से है। अच्छा, हाँ, वो दूसरा का है? है, हाँ। सारे गांव वाले ड्राइवर लोग का है, खुद का है पर्सनल? हाँ, पर्सनल। तो आपने क्यों नहीं लिया? किसी का 80 नहीं लिया, हमारे को नहीं समझ में आया, क्योंकि बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट लोग को दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग जो है सो नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, टेंशन ज्यादा। जो हमारा खास जो सिस्टम है वो ब्याज का है, किस्ती वाला, क्योंकि अच्छा, हम सूद से बहुत दूर रहना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। सबका अपना अपना मर्जी है। बिल्कुल, ये तो है ब्याज। ये चलने में कार जैसा है या फिर कार जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये 45-50 के चलती है गाड़ी। अच्छा, और वेट ज्यादा रहेगी तो स्टीयरिंग मोड़ना बहुत दिक्कत? कभी ज्यादा नहीं होती इसमें। इसमें अगर फॉर्चूनर लोड कर लिए ना, जैसे 3 फॉर्चूनर, कभी 4 फॉर्चूनर आ जाते हैं, 6 गाड़ी यानी 2 इनोवा, 4 फॉर्चूनर भी आ जाते हैं किसी किसी ट्रेलर में, नहीं तो 3 फॉर्चूनर और 3 इनोवा। अच्छा, तो इसमें लगभग 29-30 टन के अंदर ही रहता टोटल गाड़ी। अच्छा, तो ये उस हिसाब से ज्यादा लोड नहीं है। हाँ, सिंगल टायर की गाड़ी है ये। अच्छा, तो गाड़ी तो ठीक ही ठाक चलती है। इसमें आपको गवर्नमेंट बेनिफिट बहुत मिलता हुआ, जैसे टोल पे हुआ या रोड की जो चेकिंग होती है, बॉर्डर की चेकिंग होती है, कंपनी समझती है, हम लोग को उसमें कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना। तो यहाँ आपसे बॉर्डर पे आपसे पैसा भी नहीं लिया जाता होगा? लेते हैं ना, वो नहीं लेंगे तो फिर तो इंडिया सुधर ही जाएगा। तो मतलब वो तो कंपनी देती होगी ना? हाँ, कंपनी देती है, लेकिन कोई कोई कंपनी ऐसी होती है ना कि लगेगा 700 तो देंगे, पास करेंगे 500, ये हाल है।
आरटीओ पुलिस वगैरह सब पकड़ती है इसको? हाँ, पुलिस वगैरह हर जगह नहीं पकड़ते, कहीं कहीं थोड़ा सा उसका दबंगी चलता है तो देना पड़ता है, आना तो कहीं कहीं जैसे एमपी में कोई टेंशन नहीं है पुलिस वाले का। अच्छा। गुजरात में है कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। अपना केरल में है कोई टेंशन नहीं है पुलिस वाले का। महाराष्ट्र का खर कहो ही मत, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे ऐसे नामी जगह है जहाँ पे सारे ड्राइवर जानते हैं, हम क्या बताएंगे। कहाँ पे कैसी जगह कुछ है? एक शेरपुर है। अच्छा। और बम्बई इलाका में चले जाओ तो कुछ पुलिस वाले तो अच्छे हैं, और कुछ इतने अच्छे हैं कि जिसको ड्राइवर लोग जब तक वो मरते नहीं तब तक उनका नाम भूलते नहीं। अरे बाप रे, ऐसे लोग भी हैं। ऐसे ऐसे लोग भी। मैंने ना जितने भी मतलब जैसे मैं बात करता हूँ ना जैसे ट्रक वालों से, तो महाराष्ट्र का बहुत बोलते हैं लोग मुझसे। महाराष्ट्र का इसलिए है ना कि उनको देखिए पुलिस का जो काम है, बहुत सारे अच्छे भी पुलिस होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका जो काम है वो तो करते ही है। और कुछ लोग होते हैं जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का एक कुदरत ने कोभर बनाया है, जैसे कि हर फल का ऊपर छिलका होता है ना परत, तो अच्छा चीज अंदर रहता है, बाहर में वो छिलका होता है उसको बचाने के लिए। तो उसी तरह पुलिस वालों में भी है, अच्छे होते हैं लेकिन उनके तक कौन पहुंच सकता है। बिल्कुल सही। तो बाहर का जो छिलके है ना वो जाने ही नहीं देते, डस्ट वगैरह वो हिफाजत करते रहते हैं, जो भी करना है मेरे से करो, वो सारा वो जज वही है, सुप्रीम कोर्ट वही है। ये हाल आप लोग खाना वाना इसी में बनाते हैं बाहर ढाबे पे खाते हैं? गैस ले रखे हैं इसमें बनाते खाते हैं, कहीं होटल में रोक लेते हैं तो होटल में खा लेते हैं बढ़िया सब्जी बोलकर, कोई दिक्कत नहीं है। आजाद भाई, इमरान भाई, आप लोगों को कितने कितने दिन घर से दूर रहना पड़ता है? हमारा तो 3 महीने में कंपनी का नियम है घर तरफ का लोड हो जाता है, जिसमें 4 दिन रुकने के लिए कंपनी का अलाव है, आराम से रुक जाते हैं। तो फिर 3 महीने बाहर ही रहते हैं? हाँ, 3 महीने तो पूरा इंडिया घूमते रहते हैं। अरे हो जाएगा, यानी 3रे महीने में घर को चले जाते। तो भाई कितना गाड़ी चला तू आप 3 महीने कंटिन्यू मतलब? भाई साहब ये तो कम है, ये तो हमारे कंपनी बढ़िया सिस्टम है अभी फिलहाल। 400 किलोमीटर अभी हमारे को रोज 400 किलोमीटर मतलब 11 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर 11 बजे 12 बजे रात। अरे कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अगर नया हो, कंफर्टेबल गाड़ी हो, रोड बढ़िया हो, तो 400 क्या 900 किलोमीटर भी चल लेते हैं हम लोग 24 घंटा, 6 घंटा सो भी जाते हैं। मतलब नेट भी लगाते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसा। हाँ। दिक्कत रोड पे होती है और गाड़ी पे होती है। अच्छा, मजा आता है आपको ट्रक लाइन में? मतलब अच्छा लगता है कि ऐसी मजबूरी में? अच्छा लगे तो कोई काम होता नहीं है, अच्छा जब लगता है, जैसे कहते हैं ना टाइम पास हो जाता है, ट्रेन के डब्बे ज्यादा होते हैं, इंजन एक ही होता है तो डब्बे को पहुंचाना होता है क्योंकि उसमें सारे पैसे का बिजनेस है। जी जी। भाई सवारी है तो वो रिजर्वेशन वगैरह सारा कुछ होता जी, है। बिल्कुल। तो उसी तरह हम लोग का डब्बा जो है ना वो बच्चे लोग है, उनको पढ़ाना है, बीवी है, माँ बाप है, वो बोगी को लेके चलने के लिए हमारे को इंजन को आगे रखना पड़ता है, समझे? इमरान भाई मतलब पॉइंट कितने अच्छे अच्छे बता रहे हैं इमरान भाई। पॉइंट नहीं, हम लोग भी उस्ताद लोग के बीच में बैठे, अच्छे लोग के बीच में बैठे तो अच्छे मशवरा समझे, उन्हीं लोग से सीखित लेकर के आपके सामने बोल रहे हैं। तो इतना कुछ भी नहीं हूँ, हम लोग का जो उस्ताद थे बहुत अच्छे थे जी। हाँ, उसकी वजह से महान लोग थे। नॉलेज तो बहुत है हमारे इमरान भाई को। नॉलेज और भी लोग का है, ऐसा बात नहीं, हम एक दूसरे से सीखते रहते हैं, नॉलेज की कोई ऐसे बात नहीं है। कोई काफी नए हैं तो उनसे भी हम सीखते हैं, जो हमारे को नहीं पता है उस बारे में उनसे हम पूछ लेते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अच्छा, आजाद भाई ये क्या बोलते हैं, बॉडी के ट्रक में बनाई है ये फिर? अब तो आप तो 3-3 महीने बाहर रहते थे बॉडी। नहीं, ऐसे एक्सरसाइज करता हूँ कभी कभी। ट्रक में करते रहते हैं कहीं भी रास्ते में, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ एक्सरसाइज कर ली, सुबह शाम को। हेल्थ अच्छा बना रखे हैं। नहीं सेवा भाई से देखो, पुराने मॉडल गाड़ी चला रहे हैं। हमारा तो 16 मॉडल गाड़ी है और इनका तो शायद 11-12 मॉडल होगा। हाँ, तो ये पुराने गाड़ी इसलिए चला रहे हैं, इनका हेल्थ भी बढ़िया है माशाल्लाह, अच्छा बात है, और हमारा भी ठीक ही ठाक है अंदर से। मैं बता दूं आपको, मैं आपको बता दूं, इमरान भाई जो है 40 साल उम्र है लेकिन ये बिल्कुल लगते नहीं है, मेंटेन अच्छा आपका है, इससे कोई परेशानी? हमारे को तो यही है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि अंदर से बीमारी से बचा रहो, उसी को स्वास्थ्य अच्छा बोलते हैं जी। है ना, तो फिर हेल्थ अच्छा हो और अंदर से बड़ा बीमारी हो। हाँ। फिर तो कोई बात ही नहीं है। जैसे हाथी को क्या है ना, अगर एक पांव टूट जाए तो कोई भी बच्चे उसको मार के भाग जाए, क्योंकि हाथी को इतना दौड़ नहीं सकेगा, लंगा है वो चल ही नहीं सकेगा। जैसे बोलते हैं ना शेर को,
शेर को उसका नाखून काट ले और दांत काट ले, फिर बच्चे के बीच में भी छोड़ दे, चाहे कितना भी भूखा हो, वो क्या करेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो उसी बात है, हेल्थ चाहे जितना भी हो उससे मतलब नहीं है। शरीर के हर अंग थोड़ा सही होना चाहिए और अंदर से कम्फर्टेबल होना चाहिए हर चीज में, जो भी काम कर रहे हैं। जैसा हम लोग को सिखाया जाता है स्कूलों के द्वारा, मास्टर जो होते हैं, ये ट्रेनिंग ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वहाँ पे लोग समझाते हैं मास्टर लोग, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं तो स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इमरान भाई बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करने में, बहुत मजेदार है आप और आदाद भाई भी। इमरान भाई ये एक बार मैं ऐसे देख सकता हूँ इसको? हाँ, आराम से देख सकते। दिखा देंगे आप एक बार? हाँ, चलिए अपन देखते हैं एक बार। अच्छा इसमें कार नहीं है अभी, ऊपर है? ऊपर में भी नहीं है। अच्छा एक बार अंदर से देखूं? अरे बाप रे। तो भाई ये है अंदर से कुछ ऐसा। अच्छा ये सब इमरान भाई ये बंदा रहता है यहाँ से? ये बेल्ट वगैरह है ना, ये बेल्ट टायर में लगाते हैं, ये टायर में लगाते हैं और ये स्टॉपर है। स्टॉपर है, स्टॉप करते हैं। ये क्या है? ये लीवर है, वो हाइड्रोलिक से ये फाल का नीचे ऊपर होता है, ये ऊपर नीचे होता है। अच्छा ये हाइड्रोलिक लगा हुआ पूरा हो जाएगा जो ऊपर के फाल का नीचे और ये रैंप है जो गेट इस पे चढ़ती है गाड़ी इससे। अच्छा रैम कौन सा है? रैम ये जो छोटा वाले जग लगे हुए ना। अच्छा ये जो जग ये जब डाउन होते हैं ना तो फिर इससे कार चढ़ती है और ये भी नीचे हो जाता है, इसको उठा के पिन निकाल देते हैं ना। हाँ। तो उधर से ज्वाइंट है, देखो वहाँ से वो ऐसा वहाँ से उठा हुआ। हाँ। क्यों है ये वहाँ से ज्वाइंट है? ये देखिए सामने में। अच्छा ये इधर से ज्वाइंट होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कब्जा बोल दीजिए। अब ये डाउन होगा ना जब हाँ। ये नीचे आ जाएगा ऐसे चढ़ाई की तरह। हाँ। और फिर इसमें कार जब ऊपर चढ़ जाएगी हाँ। पूरा रेडी हो जाएगा। हाँ। फिर वो बेल्ट स्टॉपर लगा के फिर इसको उठा दिया जाता है, फिर ये पिन लग जाएगा। हाँ। फिर ये नीचे के पोजीशन में फिर आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। अरे तो काफी बड़ा होता है लेकिन बहुत देख संभाल के। छोटा हो गया ना भाई साहब, पहले 10 की आती थी ये इनसे। ये कार वगैरह इससे स्टॉप हो जाती है और ये बेल्ट से बंध जाती होगी। बेल्ट से बंध जाने के बाद फिर वो कहीं भी हिलता नहीं है। अरे वाह यार, ऐसा ना कि हम लोग ये सब गाड़ी चलाते हैं कार के लिए, हालांकि कोई ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं। हाँ। लेकिन इसमें हम लोग का सबसे बढ़िया जो मिलता है ना। हाँ। जो अच्छे अच्छे पैसे वालों को नहीं मिल पाता। हाँ। वो क्या है, मर्सिडीज लोड कर लिए हम लोग नई कार, जो फैक्ट्री वाला चढ़ा उसके बाद हम ही लोग चढ़ते हैं। बाय रोड भी पहुंचा लो, जितना चला लो, मतलब गाड़ी स्क्रेच नहीं होना चाहिए। मतलब स्क्रेच नहीं होना चाहिए, ज्यादा किलोमीटर नहीं चलना चाहिए, चढ़ाओ उतार घुमाओ। हाँ। ये सारा पहले हम लोग का ट्रेनिंग हो जाता है। हाँ। और जितना भी महंगे महंगी कार है कंपनी। हाँ। का जैसे फॉर्च्यूनर है, इनोवा है, ये सब हम लोग चढ़ाते हैं, उतारते हैं, डीलर तक पहुंचाते हैं। हाँ। ये चीज बड़ा अच्छा है, जो और लोग भाई लोग बताते हैं कि यार आप लोग का बढ़िया, हम लोग को तो चलाने नहीं मिलता है, इतना लाख रुपया जमा करते हैं तब खरीदो तब मिलता है, वो भी एक कार खरीदने में कहे। अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में मर्सिडीज नहीं चलाई है लेकिन आपने चलाई है। अभी कह रहा हूँ बहुत सारे, ये नहीं हम ही चलाए हूँ जी, जी। कार के लिए जितने हमारे भाई ड्राइवर लोग है सारे लोग लगभग लगभग चलाए हैं। अच्छा हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज बढ़िया हम लोग का जिंदगी में। बोलो थक जाते हैं बैठे बैठे कि यार क्या चलाओ, कोई बोलता है यार मेरी कार लेके चलो बायरो, अरे इस तार थक गया हूँ यार बताओ। और कोई बोलते हैं नए लोग जो कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास पैसे भी है, बोलते यार मुझे ले चलो ना यार, लेकिन बात ये हो जाता है लेने की बात नहीं है, यहाँ सेफ्टी की बात जी बिल्कुल। जिस चीज को हम ला रहे हैं इसमें बहुत सुरक्षा को देखना होता है। हाँ। हम लोग को जो समझा के भेजा जाता है मास्टर के द्वारा उस हिसाब से हम लोग को खाली करना पड़ता है और उस हिसाब से पीयूडी वगैरह लेना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी के लेकर के सेफ्टी देखना पड़ता है हम लोग को ज्यादातर। बिल्कुल इमरान भाई। हाँ, अब ये नहीं कि नई कार है तो हम लोग हवा में उड़ा दिए, ये खूब भगा लिए, ऐसा नहीं, बस 100 पूरा कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत जो उसकी रनिंग होती है ले जाना। हाँ, करने में पहुंचाने में बस उतना से पूछ के जहाँ वैसा सुविधा हो तो ऐसा नहीं हो कि जो नहीं चला। अब ये नहीं कि डीलर तक हमारी ट्रेलर चली जाए और हम उतार के 4 किलोमीटर दूर से ले जाए 100 पूरा करने, नहीं ऐसा कभी नहीं करते। नहीं करना भी नहीं, मजबूरी है। जैसे अभी भोपाल में अभी बंद कर रखे हैं पुलिस वाले लोग, कोई त्योहार चल रहे हैं तो जाने नहीं दिए, तो यहाँ खड़ा हो गया, डीलर वाला से बात किए, मशवरा लिए, तो बोले ठीक है कोई नहीं बाय रोड लेकर आ जाओ। अब यहाँ से 7-8 किलोमीटर पड़ा तो हम लोग उतार के सेफ्टी के साथ वहाँ तक डीलर तक पहुँचा दिए, रिसीविंग लेकर के आ गए, ये हुआ। चलिए तो आज़ाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इमरान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त बातचीत हुई आपसे, बिल्कुल मज़ा आ गया और ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया होगा।
जरूर मिलेंगे अपन वापस, जरूर मिलेंगे कभी मौका मिला तो गाइस होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी अमेजिंग वीडियोस कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट रेगुलरली आपको देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।